चलो आज हम लोग सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो सॉल्ट एनालिसिस आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स है, इनऑर्गेनिक के बहुत सारे चैप्टर्स है, एक पी ब्लॉक डी ब्लॉक मेनली दो चैप्टर्स हैं जिनको कंबाइन करने से आपके पास सॉल्ट एनालिसिस बनता है। सॉल्ट एनालिसिस वैसे आपके पास है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट जो आप लोग प्रैक्टिकल्स करते हो एग्जाम्स के अंदर, लेकिन इसको आप थ्योरेटिकल पार्ट से बड़ी आसानी से कोरिलेट कर सकते हो। आपके पास ऐसे बहुत से क्वेश्चंस मिलेंगे जो एक कॉम्बिनेशन होंगे पी ब्लॉक डी ब्लॉक और सॉल्ट एनालिसिस का। तो यहाँ पर बेसिकली हम देखेंगे कि कैसे हम सॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास बहुत सारे टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, हम देखेंगे सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके अंदर अलग तरह के आयन्स होते हैं, तो उन सबको हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे किसी कंपाउंड को हम एक मिक्सचर में से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सब हम कहाँ सीखते हैं, सॉल्ट एनालिसिस में। तो सॉल्ट एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जिसमें मैं सबसे पहला टर्म आपके पास डिफाइन करने जा रहा हूँ, रेडिकल्स। छोड़ दो, बहुत अच्छे 10 पेज के, छोड़ो 10 से 15 पेजेस। तो सबसे पहला जो टर्म हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं दैट इज योर रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होते हैं, लिखो रेडिकल्स आर, रेडिकल्स आर, अभी क्या है, रेडिकल्स आर द एटम्स, रेडिकल्स आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, रेडिकल्स आर द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव सम चार्ज ऑन देम। रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव सम चार्ज ऑन देम। देखो ऐसा कोई भी एटम लाइक Cl-, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड, F-, फ्लोराइड, Na+, सोडियम आयन, ठीक है, Ca+2, कैल्शियम आयन, कोई भी एटम्स जिनके ऊपर क्या हो चार्ज, या ग्रुप ऑफ एटम्स लाइक OH-, इसे क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्साइड, SO4-2-, इसे हम क्या बोलते हैं सल्फेट, या फिर NH4+। तो कोई भी एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेडिकल्स। समझ में आता है, पहली चीज, मतलब हमें यहां साफ साफ दिख रहा है रेडिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। जब भी दो रेडिकल्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट। जब भी आपके पास दो रेडिकल्स कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाते हैं आपके पास, सॉल्ट, जैसे NaCl, ठीक है, जैसे आपके पास हो गया मान लो CaCl2, ये क्या है आपके पास, सॉल्ट। तो किसी भी सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, दो रेडिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिव रेडिकल और एक नेगेटिव रेडिकल। इन रेडिकल्स को आप फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हो, एक एसिडिक रेडिकल्स और दूसरे बेसिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स क्या होते हैं, विच कम फ्रॉम एन एसिड, और बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं, विच कम फ्रॉम अ बेस। सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो एसिडिक रेडिकल्स वो होते हैं जो एसिड से आता है, और बेसिक रेडिकल्स क्या होगा, जो बेस से आता है। एक सॉल्ट कब बनता है, एक सॉल्ट बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं NaCl की, तो NaCl की रिएक्शन के लिए आपको चाहिए होगा एक एसिड और एक क्या चाहिए होगा, बेस, ये मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस। तो एसिड कौन सा चाहिए होगा NaCl बनाने के लिए, HCl, और बेस कौन सा चाहिए होगा, Na। तो देखो Cl-, क्योंकि एसिड में क्या होगा, एक तो H+ होगा और बाकी क्या होगा, कोई नेगेटिव पार्ट, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है वो हमेशा किससे आएगा, एक एसिड से, जबकि बेस में क्या होगा, OH- और एक पॉजिटिव पार्ट। मतलब कोई भी सॉल्ट बने नेगेटिव पार्ट हमेशा कहां से आएगा, एसिड से, और पॉजिटिव पार्ट हमेशा कहां से आएगा, बेस से। यानी मेरे जितने भी ऐसे रेडिकल्स जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनको मैं कौन सी कैटेगरी में डाल सकता हूं, एसिडिक रेडिकल्स।
ऐसे जो जो भी आपके पास आयन्स है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उन्हें मैं किस कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकता हूं? इन बेसिक रेडिकल्स। तो यहां से आपके पास एक सिंपल क्लासिफिकेशन आता है ऑफ रेडिकल्स, दैट रेडिकल्स विद नेगेटिव चार्ज आर, सो नेगेटिवली चार्ज रेडिकल्स आर एसिडिक रेडिकल्स एंड पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स आर योर बेसिक रेडिकल्स। समझ में आता है? तो जितने भी आपके Cl- Br- SO4 2- NO3- PO4 3- ये सब कौन से रेडिकल्स होते हैं? एसिडिक रेडिकल्स। वहीं पे अगर आप बात करो Na+ या NH4+ Hg+ या Hg2+ Cu2+, ये सब आपके पास कौन से रेडिकल्स होते हैं? बेसिक रेडिकल्स। तो दो तरह से हम रेडिकल्स को डिफाइन करते हैं, एसिडिक रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर हमें इन रेडिकल्स की टेस्टिंग करनी होगी। जैसे आपके रेडिकल्स हैं तो आपको हर एक के लिए कुछ केमिकल टेस्ट करवाने होते हैं, जो उसके लिए उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, मतलब वो ही वो टेस्ट शो करेगा, कोई और उस टेस्ट को शो नहीं करेगा। उसके बेसिस पर हम इन एनायंस को या कैटायंस को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इन्हें एक दूसरे से हम सेपरेट कर सकते हैं या फिर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे टेस्टिंग ऑफ एसिडिक रेडिकल्स, उसके बाद हम करेंगे टेस्टिंग ऑफ बेसिक रेडिकल्स। तो हम लोग बात कर रहे हैं टेस्टिंग ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। कैसे हम इनकी टेस्टिंग करवाएंगे उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। टेस्टिंग से पहले हमें इन रेडिकल्स को क्लासिफाई करना होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमारे पास, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। सबसे पहले हम रेडिकल्स को क्लासिफाई करेंगे। देखो, आप इन्हें जनरली तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हो। फर्स्ट ग्रुप इज योर वीक ग्रुप, सेकंड ग्रुप इज योर स्ट्रांग ग्रुप, एंड द थर्ड ग्रुप इज जनरल। ये तीन ग्रुप्स में आप इसे डिवाइड करते हो। वीक ग्रुप के लिए जो ग्रुप रिएजेंट होता है, इट इज डाइल्यूट HCl और आप लोग डाइल्यूट H2SO4 भी यूज कर सकते हो। यू कैन यूज आइदर डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 एज अ ग्रुप रिएजेंट फॉर वीक ग्रुप। इनका नाम वीक ग्रुप इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये डायल्यूट HCl और डायल्यूट H2SO4 से क्या होते हैं? आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग ग्रुप में आपके पास जो ग्रुप रिएजेंट होता है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। ठीक है, जनरल ग्रुप के लिए देखते हैं, बात करेंगे जनरल ग्रुप के बारे में, पर मेन जो है हमारे पास वो दो ग्रुप्स हैं, वीक ग्रुप एंड स्ट्रॉन्ग। यूज करते हैं, ये क्लियर है आपको? तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन हुआ, वीक ग्रुप, स्ट्रॉन्ग ग्रुप एंड जनरल ग्रुप। हम सबसे पहले बात करते हैं वीक ग्रुप क्या होता है और वीक ग्रुप में कौन कौन से रेडिकल्स लाए करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं पहले ग्रुप की, दैट इज आर वीक ग्रुप। देखो, वीक ग्रुप में आपके पास बहुत सारे रेडिकल्स होते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप इन सारे रेडिकल्स को याद रख सकते हो। और शॉर्ट फॉर्म क्या है आपके पास? देखो, दिस स्टैंड्स फॉर SST। हम इसे बोलते हैं SST काम नहीं आती। सही बात है, साइंस वालों के लिए SST कहां काम आती है? ना साइंस वालों के लिए काम आती, ना ही कॉमर्स वालों के लिए काम में आती, और ना ही आर्ट्स वालों के काम में आती। इसलिए SST कोई काम नहीं आती। ये आपके पास फर्स्ट वीक ग्रुप है। S इज
फॉर सल्फाइट, दिस इज सल्फाइड, दिस इज थायोसल्फेट. सल्फाइड क्या होता है? SO3 2 माइनस, सल्फाइड इज एस टू माइनस, थायोसल्फेट इज एस टू ओ थ्री टू माइनस. सी स्टैंड फॉर कार्बोनेट, दैट इज सीओ थ्री टू माइनस. एन स्टैंड फॉर नाइट्राइट विच इज एनओ टू माइनस. एंड ए स्टैंड फॉर एसिटेट विच इज CH3COO. तो ये आपका वीक ग्रुप है जिसमें छह रेडिकल्स हैं, ठीक है, इसे आप याद रख सकते हो, SST काम नहीं आती. उसके अलावा इसमें एक बाइकार्बोनेट भी होता है जिसे हमने यहां काउंट नहीं किया है. एक शॉर्ट फॉर्म तो इसकी ये है, अगर आप यहां पे बाइकार्बोनेट लिखना चाहो तो आप बी और लगा सकते हो. दिस बी स्टैंड्स फॉर बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3. तब आप इसे बोल दोगे भाई SST काम नहीं आती, ठीक है. तो अगर आप बाइकार्बोनेट इंक्लूड कर रहे हो तो यहां पे भाई लगा देना, भाई SST काम नहीं आती. उसके अलावा अगर आपको ये फॉर्म अच्छी नहीं लग रही हो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड बेनकास्ट. क्या बोल रहे हो? हाँ ये भी बोल सकते हो, ठीक है. तो वो तो यही फॉर्म है, बाकी आप इसे बेनकास्ट भी याद रख सकते हो. अगेन बाइकार्बोनेट, नाइट्राइट, कार्बोनेट, एसिटेट, सल्फेट, सल्फाइड एंड थायो सल्फेट. ये समझ में आता है? तो ये होता है आपके पास वीक ग्रुप. कुछ लोग इसे ग्रुप वन भी बोलते हैं, ठीक है. एसिडिक रेडिकल्स का ग्रुप वन भी आप इसे बोलते हो. देन हमारे पास आएगा सेकंड ग्रुप जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रुप. इसका ग्रुप रिएजेंट कौन होता है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. यहां पे भी आपके पास कुछ रेडिकल्स होते हैं जिन्हें आप ऐसे याद रख सकते हो. क्या बना? FB. FB का मतलब क्या होता है? फेसबुक. तो क्या बना? CBI on फेसबुक. तो कैसे याद रखते हो आप? CBI on फेसबुक. क्या कह रहे हो? डॉन को कहां पकड़ रही? दिस सी स्टैंड्स फॉर क्लोराइड, दैट इज Cl माइनस. बी स्टैंड्स फॉर ब्रोमाइड, दैट इज Br माइनस. आई स्टैंड्स फॉर आयोडाइड, दैट इज I माइनस. देन ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्सेलेट विच इज C2O4 2 माइनस. एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रेट विच इज NO3 माइनस. एफ स्टैंड्स फॉर फ्लोराइड जिसे हम बोलते हैं F माइनस. एंड बी स्टैंड्स फॉर बोरेट, BO3 2 माइनस. तो ये आपके पास था आपका सेकेंड ग्रुप विच इज नोन एज सेकेंड ग्रुप. एक हुआ वीक ग्रुप जिसका ग्रुप रिएजेंट कौन है? डाइल्यूट H2SO4. दूसरा है स्ट्रॉन्ग ग्रुप जिसका ग्रुप रिएजेंट कौन है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4.
याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। देखो ये जरूरी नहीं है कि आपके सारे याद हो कि इस ग्रुप में कौन से रेडिकल्स होते हैं और इस ग्रुप में कौन से रेडिकल्स हैं। अगर ये आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे कोई भी काम, हमें इनके टेस्ट पता होने चाहिए, इनका डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। ग्रुप क्लासिफिकेशन आपको याद रखने के लिए होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही काम नहीं आते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिस्पॉन्ड टू डाइल्यूट एस्टोसो4, तो तीन इनमें से दे दूं और एक इसमें से दे दूं, तो वो क्वेश्चन भी आपके पास बन सकता है, इसलिए आपको ये पता होना जरूरी है। वैसे इसके ऊपर इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम हो सकता है, समझ में आता है। देन थर्ड, अभी दो ही टाइप, दो ही ग्रुप्स पढ़े हमने, एक ग्रुप और था, वो कौन सा ग्रुप था? जनरल ग्रुप। तो जो आपका जनरल ग्रुप है उस जनरल ग्रुप को आप फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, इसमें रेडिकल्स होते हैं ऐसे SO4 2- PO4 3-, दीज रेडिकल्स आर आइडेंटिफाइड, By their precipitation reactions. ये जो SO4 2- और PO4 3- होते हैं, इनको आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? इनकी precipitation reactions से। जबकि इधर जो है आपके पास Cr2O7 2- MnO4-, ये कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? पढ़ा है आप लोगों ने डी ब्लॉक में, रिडॉक्स reactions. So these are identified by redox reactions. तो ये basically आपके पास classification होता है general group का, ऐसे radicals जिनको आप उनकी precipitation reaction से identify करते हो, ऐसे radicals जिनको आप उनकी redox reactions के through identify करते हो। तो ये आपके पास basic classification था रेडिकल्स का, एसिडिक रेडिकल्स को आपने तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है, वीक ग्रुप जिसके अंदर आता है कौन, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट, थायोसल्फेट, देन नाइट्राइट और एसिटेट, ठीक है। जो आपका सेकंड ग्रुप है दैट इज योर स्ट्रॉन्ग ग्रुप, उसके अंदर आपके पास आता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्सलेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड एंड बोरेट, ठीक है। हमें बहुत सारे नहीं पढ़ने हैं, अभी आप जब इनके रिएक्शंस देखोगे तो आपको कई रिएक्शंस देखी हुई मिलेंगी, क्योंकि आपने डी ब्लॉक में ऐसी बहुत सी रिएक्शंस पढ़ी हैं, ठीक है। वही सारे रिएक्शंस रिपीट होगी, कुछ एक दो नई रिएक्शंस होंगी, अदरवाइज आप देखोगे 80% रिएक्शंस सेम है जो आप लोगों ने डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के अंदर पढ़ी है, ठीक है। तो हम लोग, ये तो हुआ क्लासिफिकेशन, इसके अलावा आपको कुछ और चीजें पता होनी चाहिए जिनके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा कंपाउंड वहां पर प्रेजेंट। तो यहां पे हम एक और चीज पढ़ने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी रूल्स। सॉल्युबिलिटी रूल्स का पहला पॉइंट लिखो, ऑल सॉल्ट्स ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स आर सॉल्युबल, आर वाटर सॉल्युबल रादर। हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे वाटर के अंदर, ठीक है। ग्रुप 1 मेटल्स, और आप यहां पे एक चीज और लिख सकते हो, चलो पहले ये लिख लो, ऑल सॉल्ट्स ऑफ ग्रुप 1 मेटल्स आर वाटर सॉल्युबल। जितने भी ग्रुप 1 मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सबके सॉल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा वाटर सॉल्युबल। उसके अलावा All salts of starting members of group 2 are also water soluble. ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, इनके salts भी क्या होते हैं? जनरली water soluble. लेकिन जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते जाओगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो फर्स्ट ग्रुप के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं, कोई भी सॉल्ट उठा लो, NaCl, NaBr, NaI, NaNO3, NaNO2SO4, NaNO2CO3, NaHCO3।
कोई भी सॉल्ट उठा लो फर्स्ट ग्रुप मेटल्स का, वो हमेशा क्या होगा, वाटर सोल्यूबल, जबकि सेकेंड ग्रुप मेटल्स के इनिशियल बेरिलियम मैग्नीशियम इनके सॉल्ट्स क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। समझ में आता है? देन थर्ड लिखो, लिखो ऑल नाइट्रेट्स, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सोल्यूबल, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सोल्यूबल। जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। चाहे आप CuNO3 कॉपर नाइट्रेट लो, चाहे जिंक नाइट्रेट लो, चाहे आयरन नाइट्रेट लो, कोई भी नाइट्रेट लो, वो हमेशा क्या होगा आपके पास, वाटर सोल्यूबल। नेक्स्ट फोर्थ, ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सोल्यूबल, ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्ट AgCl, PbCl2 एंड HG2Cl2। ऑल क्लोराइड्स आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट AgCl, PbCl2, HG2Cl2। नेक्स्ट थर्ड, ऑल आयोडाइड्स आर वाटर सोल्यूबल, ऑल आयोडाइड्स आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट AgI, PbI2, HgI2, HgI2। नेक्स्ट ऑल ब्रोमाइड्स आर वाटर सोल्यूबल, सेम बिहेवियर है, ऑल ब्रोमाइड्स आर वाटर सोल्यूबल एक्सेप्ट AgBr, PbBr2, HgBr2, HgBr2। यहां पे एक नोट डालना छोटा सा और इसको हाईलाइट कर देना, HgCl2 इज वाटर, HgCl2 और HG2Cl2 में बहुत फर्क है, ये तो पता है ना सबको। HgCl2 का नाम क्या होता है, HgCl2 इज मर्क्यूरस क्लोराइड और HG2Cl2 इज मर्क्यूरिक क्लोराइड, हाँ कालूबल, कैलोमल, कौन है कैलोमल, और HgCl2 क्या है, हाँ जी मर्क्यूरी क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड क्या डिफरेंस है, फेरस और फेरिक क्या डिफरेंस है, फेरिक कौन होता है +3 और फेरस कौन होता है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक क्या डिफरेंस है, ऑक्सीजन स्टेट, क्यूप्रिक कौन होता है, कॉपर +3 +2 और क्यूप्रस कौन होता है +1। मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक क्या डिफरेंस है, ऑक्सीडेशन स्टेट, HG+2 क्या होगा मर्क्यूरिक और HG+1 क्या होगा मर्क्यूरस, ये डिफरेंस होता है। हायर ऑक्सीजन स्टेट के प्रीफिक्स लगता है एक और लोअर के लिए क्या लगता है अस, तो HG की दो स्टेट्स होती हैं, HG+2 और HG2+2, यानी इसका मतलब क्या है HG+1 स्टेट में, लेकिन HG कभी भी इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इस फॉर्म में, ठीक है, इसलिए हमें दोनों ही +2 लगते हैं, लेकिन एक +2 है और एक क्या है +1, दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरिक, दिस इज कॉल्ड मर्क्यूरस। मर्क्यूरस क्लोराइड इज सोल्यूबल, सॉरी मर्क्यूरिक क्लोराइड इज सोल्यूबल, वेर एज मर्क्यूरस क्लोराइड इज इनसोल्यूबल इन वॉटर। HgCl2 सॉल्युबल होता है लेकिन HG2Cl2 सॉल्युबल नहीं होता है, एक तो ये चीज याद रखना। इसको हम प्यार से बुलाते हैं कालूमल, मतलब कैलोमल इसका नाम, और इसका नाम होता है कोरोसिव सब्लिमेट HgCl2, ये आसानी से सब्लाइम हो जाता है
और जिसकी भी सरफेस पे चिपकता है उसका कोरोजन करने लग जाता है, इसलिए इसका नाम क्या रखते हैं हम, कोरोसिव सब्लिमेट। हो गया, चले आगे। नेक्स्ट रूल लिखो इसी के अंदर, फिफ्थ है सिक्स्थ है, सेवेंथ हो गया। लिखो, ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट एक्सेप्ट PbSO4 HG2SO4 and AgSO4. PbSO4, HgSO4 and AgSO4. आगे लिखना BaSO4 and CSO4, HG2SO4, सॉरी मर्क्यूरस आएगा ना, मर्क्यूरस सल्फेट। देखो BaSO4 and CaSO4 are sparingly soluble. BaSO4 and CaSO4 are sparingly soluble. हो गया? Next. देखो all carbonates are water insoluble. All carbonates are water insoluble except group 1 metals and ammonium carbonates. ठीक है, और वही एप्लीकेबल है इनिशियल मेंबर्स ऑफ ग्रुप टू लाइक बेरिलियम मैग्नीशियम। ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम इनके लिए भी वो एप्लीकेबल है। बाकी सारे कार्बोनेट्स क्या होंगे, इनसोल्युबल। अगर आपसे किसी ने कहा सिल्वर कार्बोनेट तो वो कैसा होगा, इनसोल्युबल। इनसोल्युबल होने का मतलब क्या बनेगा उसका, पीपीटी। जो सोल्युबल उनका पीपीटी फॉर्म नहीं होगा, जो इनसोल्युबल उनका पीपीटी फॉर्म होगा। नेक्स्ट, ऑल सल्फाइड्स आर वाटर इनसोल्युबल एक्सेप्ट सेम All sulfides are water insoluble except we same group 1 metals, ammonium sulfides and initial members of group 2 metals. ठीक है, एक बार ये रूल्स देख लो। ठीक है, जैसे आप मैगजीन पढ़ते हो बस ऐसे पढ़ लो, रट्टा नहीं मारना है। अरे गप्पे मत मारो, दोनों गप्पे मारने लगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है, सारे नाइट्रेट्स क्या होंगे, वाटर। ठीक है, सामने ऐसे देख के बात करो, बिल्कुल हाँ, ये सारे नाइट्रेट्स क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल। सारे सल्फेट्स क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट HgSO4, AgSO4 एंड PbSO4। सारे क्लोराइड्स क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट AgCl, PbCl2 एंड HG2Cl2। सारे आयोडाइड्स क्या होंगे, सेम वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट PbI2, HG2I2, HgI2। ठीक है, आयोडाइड्स और ब्रोमाइड में HgBr2 और HG2Br2 दोनों आएंगे, लेकिन सिर्फ क्लोराइड्स के अंदर HgCl2 क्या होगा, सॉल्युबल, जबकि HG2Cl2 क्या होगा। ठीक है, HgCl2 बॉइल करने पर सॉल्युबल, थोड़ा सा हीट करोगे ना, वार्म करोगे तो अपने आप वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ऑल
सल्फाइड्स आर वाटर इनसोल्यूबल एक्सेप्ट ग्रुप वन मेटल्स अमोनियम एंड इनिशियल मेंबर्स ऑफ ग्रुप टू. समझ में आता है आप लोगों को? ठीक है, तो ये याद रखना है, ये कुछ सॉल्युबिलिटी रूल्स है जिनको हम फॉलो करेंगे. कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखो ऑब्जर्वेशन टेबल. यहां पर क्या होगा, कुछ टेस्ट्स या कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें हम अपनी आंखों से देखकर बता सकते हैं. कुछ चीज हमें ऑब्जर्व होगी तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हाँ भैया ये चीज यहां पे हुई है, ये चीज यहां प्रेजेंट. जनरली यहां पर गैसेस होंगी तो हम बात करते हैं क्या क्या आपके पास ऑब्जर्वेशन होगा. तो चलिए हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की. दूसरा हम बात करेंगे क्या हमारे पास प्रेजेंट हो सकता है, जो भी कोई गैस अगर प्रेजेंट है. ठीक है, और फिर हम बताएंगे उसका रिजल्ट या फिर पॉसिबल रेडिकल. ये तीन चीज हम यहां से बता सकते हैं बाय दिस ऑब्जर्वेशन टेबल. सबसे पहले बात कर रहा हूं आपके पास ऑब्जर्वेशन, गैस विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस. टर्निंग लाइम वाटर मिल्की. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम ये सब. कौन सी गैस होगी? CO2 गैस. इसको जैसे आप लाइम वाटर में पास करोगे ये उसे मिल्की बना देगी. एक्सेस में पास करोगे तो मिल्कीनेस क्या हो जाएगी? डिसअपीयर. समझ में आता है ये? तो यहां कौन सा रेडिकल प्रेजेंट हो सकता है? कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट. समझ में आता है? सेकेंड, पंजेंट गैस टर्निंग लाइम वाटर मिल्की. है कोई ऐसी गैस, एक पंजेंट गैस जो लाइम वाटर का करती हो, मिल्की बनाती हो? इट इज SO2. पॉसिबल रेडिकल SO3 2 माइनस. हो गया. थर्ड, न्यूट्रल गैस बर्निंग विद ब्लू फ्लेम. द गैस इज CO. कोई रेडिकल प्रेजेंट नहीं होगा. अच्छा, यहां पे एक C2O4 2- माइनस भी प्रेजेंट हो सकता है, पर इसके लिए रहने दो. इसके लिए इसको फोर्थ गैस, इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, गैस विद रॉटन एग स्मेल. गैस विद रॉटन एग स्मेल एंड बर्न्स विद ब्लू फ्लेम. देखो, ब्लू फ्लेम के साथ दो ही गैसेस बर्न होती है, CO एंड H2S, और उनको आप उनके स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हो. गैस कौन सी होगी? H2S. कौन प्रेजेंट होगा? सल्फाइड. फिफ्थ लिखो, ब्राउन गैस टर्निंग स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू. कौन सी गैस होगी? दिस विल बी NO2. NO3 माइनस या NO2 माइनस यहां पे प्रेजेंट हो सकता. आयोडीन का कलर कैसा होता है? आयोडीन वॉयलेट. ठीक है, लेकिन यहां कलर कैसा है? ब्राउन. तो ब्राउन गैस है, स्टार्चेशन को ब्लू कर रही है, तो कौन सी गैस होगी? NO2. और फिर जो आपको पता ही है, वॉयलेट गैस, जैसे पर्पल भी बोल देता है कभी कभी कोई,
टर्निंग स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू, कौन सी गैस होगी ये? आयोडीन. कौन प्रेजेंट हो सकता है? आई माइनस. पेल ग्रीन गैस क्लोरीन, कौन प्रेजेंट हो सकता है? सीएल माइनस. समझ में आता है? उसके अलावा यहीं पे आप एक दो आयंस की और बात कर सकते हो, लाइक एट्थ वन, सॉल्यूशन गिव्स स्मेल ऑफ विनेगर. क्या बनता है यहां पे? एसिटिक एसिड. और कौन प्रेजेंट हो सकता है? CH3CO-. क्लियर है? तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिनके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. अगर आपके पास एक गैस निकलती है विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस एंड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, देन दैट गैस कैन बी CO2. अगेन, अगर गैस ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ नहीं है और गैस कैसी है? विद पंजेंट स्मेल, तो वो गैस कौन सी होगी? SO2. ठीक है, दिस अगेन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. देन थर्ड वॉज अ गैस विच इज न्यूट्रल इन नेचर एंड बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम, तो वो कौन सी गैस होगी? CO. याद रखना, CO2 इज एसिडिक गैस, वेयर एज CO इज अ न्यूट्रल गैस. ठीक है ना, याद रखना ये. किसी भी नॉन मेटल की जो लोअर ऑक्सीजन स्टेट की ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो हमेशा कैसे होते हैं? न्यूट्रल. जैसे N2O, N2O कैसे कैसे होती है? न्यूट्रल. ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं ना हम लोग, लाफिंग गैस. चलो, देन अगर आपके पास गैस निकलती है विद पंजेंट स्मेल, तो गैस कौन सी होगी? H2S. इट अगेन, सॉरी नॉट पंजेंट स्मेल, रॉटन एग स्मेल, तो गैस कौन सी होगी? H2S. इट अगेन बर्न्स विद ब्लू फ्लेम. ठीक है, अगर ब्राउन गैस है टर्निंग स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू, तो कौन सी गैस होगी? NO2. वॉयलेट गैस है टर्निंग स्टार्च सॉल्यूशन ब्लू, तो कौन सी होगी? I2. अगर एक पेल ग्रीन गैस निकल रही है, तो वो कौन सी होगी? Cl2. अगर आपका सॉल्यूशन किसके स्मेल दे रहा है? विनेगर की, तो वो कौन सी गैस होगी? आप सॉरी, कौन प्रेजेंट हो सकता है वहां पे? एसिटेट आयन. और जो स्मेल आएगी वो किसकी वजह से आएगी? एसिटिक एसिड की वजह से. क्लियर है सबको? कोई डाउट? तो ये थर्ड चीज. नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हम एनायंस लेंगे इनका सॉल्यूशन, अभी हम जो पढ़ रहे हैं दीज आर वेट टेस्ट. दो तरह के टेस्ट होते हैं, ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट. तो पहले हम वेट टेस्ट पढ़ेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में हम ड्राई टेस्ट की बात करेंगे. वेट टेस्ट का मतलब इनको आप कहां कैरी करवाओगे? एक्वस सॉल्यूशंस के अंदर. तो जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो इनके, तो हम डायरेक्टली एक्वस सॉल्यूशन यूज नहीं करके हम एक दूसरे टाइप का सॉल्यूशन यूज करते हैं, जिसे हम प्यार से बुलाते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट. ठीक है, तो हम लोग देखेंगे ये सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है. नेक्स्ट आप लोग हैंड डालो, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, जिसे आप सोडा एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं, S.P. हाँ, ये सब लेबोरेटरी में होता है, ये सब आप लोग करते हो जब प्रैक्टिकल करते हो ना, ये सारे आप प्रैक्टिकल देख सकते हो अगर आपकी किस्मत में है तो. देखो, सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है, हम जब भी एक्वा सॉल्यूशन बनाना है, हमारे पास ऐसा नहीं होता कि मुझे कोई सल्फेट उठा के दे देगा. मेरे पास क्या होगा? एक सॉल्ट होगा. उस सॉल्ट में क्या होते हैं? एसिडिक रेडिकल भी होगा और बेसिक रेडिकल भी होगा. एक सॉल्ट जो होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एसिडिक प्लस बेसिक रेडिकल. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं Na2SO4, इसमें एक एसिडिक रेडिकल भी और बेसिक रेडिकल. तो मुझे एक पाउडर दिया जाता है सॉल्ट, उसको मैं क्या बोलता हूं? सॉल्ट. उस सॉल्ट को मैं किसमें डालूंगा? पानी में. तो एक्वा सॉल्यूशन बन जाएगा. लेकिन सोडा एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? वन पार्ट तो लेते हैं मिक्सचर प्लस थ्री पार्ट हम क्या लेते हैं? सोडियम कार्बोनेट प्लस डिस्टिल्ड वाटर.
ठीक है, इस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, बॉइल करते हैं। बॉइल करने पास आपके पास आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा। इस सॉल्यूशन का जो आप फिल्टर करते हो तो यहां से आपको एक फिल्ट्रेट मिलेगा। ये जो फिल्ट्रेट होता है इसे हम क्या कहते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट। आप एक कंटेनर लो, कुछ भी बर्तन छोटा सा, उसमें सॉल्ट डालो, 1:3 के रेशियो में क्या डालोगे, सॉल्ट प्लस Na2CO3, साथ में क्या डालोगे आप, डिस्टिल्ड वाटर, और इसे थोड़ी देर के लिए बॉइल करोगे। बॉइल करोगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन को आप क्या कर लो, फिल्टर कर लो। तो जो फिल्ट्रेट मिला वो क्या होता है हमारा, सोडा एक्सट्रैक्ट या फिर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। पहली चीज क्या होता है ये आपको चाहे याद रहे ना रहे, आपको मैं अब जो आगे बताने जा रहा हूं वो चीज याद रहनी चाहिए। किसी भी सॉल्ट के सोडा एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उस एनायन का सोडियम के साथ सॉल्ट। जैसे मैंने बोला सल्फाइड का सोडा एक्सट्रैक्ट, तो सल्फाइड का सोडा एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, Na2S। मैंने बोला सल्फेट का सोडा एक्सट्रैक्ट या सल्फाइड का सोडा एक्सट्रैक्ट, उसका मतलब क्या हुआ, Na2SO3। मैंने आपसे बोला क्लोराइड का सोडा एक्सट्रैक्ट तो उसका मतलब क्या हुआ, NaCl। मैंने आपसे कहा मान लो एसिटेट का सोडा एक्सट्रैक्ट तो मैं से क्या कहूंगा, CH3COO। समझ में आता है? तो किसी भी सॉल्ट के सोडा एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, उसका सोडियम के साथ सॉल्ट। ये सिर्फ एसिडिक रेडिकल्स के लिए हम बनाते हैं, बेसिक रेडिकल्स के लिए इसको हम नहीं बनाएंगे। एसिडिक रेडिकल्स के लिए सोडा एक्सट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब होता है उस सॉल्ट का सोडियम के साथ, सॉरी उस एनायन का सोडियम के साथ सॉल्ट। ये चीज समझ में आती है सबको, लिखो फिर बात करते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट काम क्या करता है। ये सब आपको रटना नहीं है, पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, हाँ भूल भी जाओ, इतना सा याद रखना बस, ठीक है। सोडा एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, लिख लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट को हम काम में क्यों लेते हैं, हम जनरल सॉल्यूशन भी काम में ले सकते हैं, हमें सोडा एक्सट्रैक्ट काम में लेने की जरूरत क्या पड़ी। तो देखो इसका रीजन होता है, हमेशा याद रखना, टेस्टिंग ऑफ एसिडिक रेडिकल्स इज कैरिड आउट बिफोर बेसिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल से पहले आप किसकी टेस्टिंग करते हो, सॉरी बेसिक रेडिकल से पहले किसकी टेस्टिंग करोगे आप, एसिडिक रेडिकल्स की हमेशा। तो मतलब हमने अगर बेसिक रेडिकल्स को टेस्ट नहीं किया है इसका मतलब ये तो नहीं कि वो प्रेजेंट नहीं होंगे, प्रेजेंट तो वो होंगे। अगर आपने सॉल्ट लिया है तो उसमें एसिडिक रेडिकल भी है और बेसिक रेडिकल भी है। सपोज आपके पास एक मिक्सचर प्रेजेंट है ऑफ PbCl-SO3 2-, ठीक है, और कॉपर ले लेते हैं यहां पे। तो जब आप टेस्टिंग करवा रहे हो, मान लो आपने सोडा एक्सट्रैक्ट नहीं बनाया, आप इसका एक्वा सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, आपने जैसे ही इसके अंदर मान लो H2SO4 डाला, तो H2SO4 डालते ही क्या होगा, पीबी किससे रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, PbSO4 का व्हाइट पीबीटी बनाएगा, जबकि कॉपर सल्फेट तो क्या होगा, सोल्यूशन के अंदर सोल्यूबल होगा। तो यहां पर क्या होगा, आप मान लो टेस्ट करने जाते हैं क्लोराइड के लिए, और क्लोराइड की जगह टेस्टिंग की जगह यहां पे क्या आ गया,
PbSO4 का एक व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो गया, आपने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि सीएल माइनस के लिए एक पीपीटी फॉर्म होगा, तो आप चक्कर में पड़ जाओगे ये पीपीटी कैसे बन गया। मैंने तो टेस्टिंग किसके लिए की थी, सीएल माइनस के लिए, और यहां पर क्या हो रहा है आपके पास PbSO4 फॉर्म हो रहा है। या फिर सीएल माइनस के लिए मान लो आप कुछ और डालते, जैसे यहां पे SO32 माइनस है, SO32 माइनस के लिए आपने टेस्टिंग के लिए यहां पे मान लो कोई कंपाउंड जैसे आप इसमें ऐड कर रहे हो, चलो जैसे एक तो ये केस हुआ आपके पास, उसके अलावा जैसे यहां पे आप ऐड कर रहे हो, सपोज आपने AgCl ऐड किया, AgCl से तो रिएक्ट नहीं करेगा, SO32 माइनस, कोई और एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे आपके पास एक सोल्यूशन है, इसमें Pb2+ प्रेजेंट है, Pb2+ के अलावा सपोज यहां पे Cl- भी प्रेजेंट है, और एक आप मान लो नाइट्रेट प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ये दोनों प्रेजेंट है, आप इसका एक्वा सोल्यूशन बनाया, एक्वा सोल्यूशन बनाओगे तो Pb और Cl रिएक्ट करके क्या बना देंगे, PbCl2। क्या PbCl2 वाटर सॉल्युबल होता है, नहीं होता, तो PbCl- को लेकर कहां चला जाएगा, प्रेसिपिटेट में। अब आप Cl- के लिए टेस्ट कैरी करवाओ, क्या पॉजिटिव टेस्ट आएगा, क्यों, क्योंकि Cl- कहां चला गया है, प्रेसिपिटेट में। तो इस तरह के रेडिकल्स जो ऐसा काम करते हैं, ये होते हैं इंटरफेयरिंग रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं, एसिडिक रेडिकल्स के टेस्टिंग के अंदर इंटरफेयर करते हैं। तो इस इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं सोडा एक्सट्रैक्ट या फिर सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपका सोल्यूशन था Pb2+ Cl- और NO3-, इसमें हम क्या डालते हैं, Na2CO3, दैट इज योर सोडियम कार्बोनेट, और इसको हीट करते हैं। हीट करोगे तो क्या होगा, यहां पर एक आयन और आ जाएगा, कौन सा, CO3 2-। किसकी क्वांटिटी ज्यादा है, CO3 2- की या Cl- की, क्योंकि रेशियो कितना लेते हैं, ये थ्री पार्ट डालते हैं और ये वन पार्ट डालते हैं, तो ऑब्वियसली बात है इसमें कार्बोनेट आयंस की प्रेजेंस क्या है, ज्यादा है। तो ये Pb CO3 से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, Pb CO3, Pb CO3 का क्या बन जाएगा पास, एक PbT, ये बाहर निकल जाएगा। अब सोल्यूशन में क्या बच गया, Cl- और NO3-, मतलब वो जो बीच में आपको परेशान कर रहा था, जो ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा था, जो इंटरफेयर कर रहा था, आपने उसको क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया। समझ में आता है, इसलिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट, ताकि बेसिक रेडिकल्स इंटरफेयर ना कर पाए। सोडा एक्सट्रैक्ट में एनायन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होती है, जबकि कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, बहुत लो होती है, ठीक है, क्योंकि यहां से क्या हो गया, कैटायन तो बाहर निकल गया है, तो इस सोल्यूशन में कैटायन बचा ही नहीं है, सिर्फ क्या बचे हैं आपके पास, एसिडिक रेडिकल्स। तो इस इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सोडा एक्सट्रैक्ट। समझ में आता है, तो आप लोग लिखो, सोडा एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड टू मिनिमाइज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेसिक रेडिकल्स such that they do not interfere in the testing of acidic radicals. ठीक है, एक चीज और होती है, नोट छोटा सा पॉइंट लिख देना इसी के अंदर, लिखो सोडा एक्सट्रैक्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रेडिकल्स। सोडा एक्सट्रैक्ट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द टेस्टिंग ऑफ कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट रेडिकल्स because it already contains high concentration of carbonate ions
इसका मतलब समझ में आता है आपको भाई? आपके पास क्या है, एक सोल्यूशन है, आपको लगा कि इसके अंदर कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है, यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है, CO3 2-. अब आपने क्या दिमाग लगा दिया, आपने इसका क्या बना दिया, सोडा एक्सट्रैक्ट। तो कार्बोनेट का सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होगा, Na2CO3 तो होगा, तो वो तो आप चाहे इसका सोडा एक्सट्रैक्ट बगैर बना दोगे तो उसमें तो आप अपने आप ही क्या जाएंगे, कार्बोनेट आयंस, क्योंकि सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनता है, इसके अंदर Na2CO3 ऐड करने पे। तो पहले तो आपको लग रहा था कि इसके अंदर कार्बोनेट आयन होगा, आपने खुद ही क्या डाल दिया, तो ये तो चाहे उसमें कार्बोनेट नहीं भी होगा तो भी क्या देगा, कार्बोनेट का पॉजिटिव टेस्ट। इसलिए कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के लिए हम सोडा एक्सट्रैक्ट यूज नहीं कर सकते। समझ में आता है सबको? चलो नेक्स्ट साइड डालो आप लोग, इंटरफेरिंग रेडिकल्स। इंटरफेरिंग रेडिकल्स तीन मेन इंटरफेरिंग रेडिकल्स होते हैं आपके पास, आप उनके नाम याद रखने, PO4 3-, F- एंड C2O4 2-. ये वो है जो खुद भी चैन से नहीं बैठते और दूसरों को भी चैन से बैठने नहीं देते, परेशान करते हैं, बीच बीच में उंगली करते हैं। समझ में आ गया? ये किसी को भी प्रेसिपिटेट नहीं होने देंगे, कोई प्रेसिपिटेट हो रहा होगा तो खुद पहले जाके क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और उसके टेस्टिंग में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए मैंने क्या बोलते हैं, बाधक रेडिकल्स बोलते हैं या फिर इंटरफेरिंग रेडिकल्स, PO4-, F- एंड C2O4 2-. तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मुझे टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले आनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन, सॉल्युबिलिटी रूल्स और ये सारी चीजें। क्लियर है आप लोगों को? अब हम लोग टेस्टिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग हैंड डालो, टेस्टिंग ऑफ वीक ग्रुप, टेस्टिंग ऑफ वीक ग्रुप। वीक ग्रुप, वीक ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट कौन होता है? डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO, ठीक है। सबसे पहले हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं कार्बोनेट रेडिकल की, दैट इज योर CO3 2-. यहां पे हम सबसे पहले कैरी करवाएंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या होगा, आप क्या करोगे, सॉल्ट लोगे, इस सॉल्ट में आप क्या डालोगे, डाइल्यूट H2SO4, क्या रिलीज होगा, गैस विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस एंड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अगर ये ऑब्जर्वेशन आता है, मतलब मुझे क्या दिया गया, एक पाउडर दिया गया, ठीक है, मैंने पाउडर को एक्वा सोल्यूशन में डाला, उसका सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया, इसकी जरूरत ही नहीं, कार्बोनेट है, इसका सिंपल सोल्यूशन बनाओ, उसके अंदर क्या डालो आप, डाइल्यूट H2SO4, दो चार ड्रॉप डाइल्यूट H2SO4 डालो। अगर डालते ही आपके पास, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो, जैसे गैस ऊपर निकलती है बबल्स के साथ, वैसे अगर कोई गैस बाहर निकली और उस गैस को अगर आपने लाइम वाटर से पास कर दिया और मिल्कीनेस अपीयर हो गई, मतलब कौन सी गैस प्रेजेंट है, CO2, और इस सॉल्ट के अंदर CO3 2- प्रेजेंट हो सकता है नहीं हो सकता है, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है, ये आपको ये बताएगा कि है, हो सकता है, फिर हम चेक करेंगे कि है या नहीं है, हो सकता है, देखेंगे क्या डिफरेंस है। हाल फिलहाल ये समझ में आता है, ये गैस कौन सी होगी, CO2, मतलब यहां कार्बोनेट आयन प्रेजेंट हो सकता है। मिल्कीनेस क्यों होती है, जब आप CO2 को लाइम वाटर, लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH होल्ड ट्वाइस, तो ये क्या बनाता है, CaCO3 का वाइट PPT अलोंग विद H2। अगर आप CO2 गैस एक्सेस में पास करते हो तो मिल्कीनेस क्या हो जाती है,
डिसअपियर। तो अगर आपने इस सॉल्यूशन में CO2 गैस और पास कर दी तो ये क्या बनाता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज वाटर सॉल्युबल, और इसकी वजह से मिल्कीनेस क्या हो जाती है, डिसअपियर। तो आपको ये रिएक्शन पता है, नहीं पता है तो आज के बाद इसको याद रखना, या आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको पता नहीं है, और अगर ये भी नहीं पता है तो आप महान हो, आप सम्राट हो सम्राट। तो ये तो कौन सा टेस्ट था, प्रिलिमिनरी टेस्ट, इससे हमने पता किया कि ये प्रेजेंट हो सकता है। अब हम करेंगे इसका कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट में आपके पास सबसे पहला आता है फर्स्ट रिएक्शन विद लेड एसिटेट, लेड एसिडेट का फॉर्मूला क्या होगा, पीबी सी एच थ्री सी ओ होल ट्वाइस। इसकी रिएक्शन अगर आपने सोडा एक्सट्रैक्ट से कर भाई, मतलब वही कार्बोनेट आयन वाले सॉल्यूशन से, तो आपके पास क्या बनेगा, पीबी सी ओ थ्री का व्हाइट अलोंग विद सी एच थ्री सी ओ ओ एन। ठीक है, फर्दर लिखो दिस व्हाइट पीपीटी लिखो लिखो दिस व्हाइट पीपीटी इज इनसॉल्युबल इन, दिस व्हाइट पीपीटी इज इनसॉल्युबल इन HCl, डाइल्यूट HCl एंड H2SO4। This white PPT is insoluble in dilute HCl and H2SO4। देखो अगर आपसे कोई कहता है ना कि insoluble है, इसका मतलब वो क्या बना रही है, PPT। एक चीज बताओ, ये PbCO3 है, इसमें अगर मैंने HCl डाला तो ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, PbCl2 plus H2O plus CO2 बनाएगा। क्या PbCl2 वाटर सॉल्युबल होता है, नहीं होता है, मतलब इसका भी क्या बन जाएगा, पीपीटी। मतलब पीपीटी क्या आ रहा है, आप भी एक पीपीटी से दूसरा पीपीटी बन गया, एक्वा सॉल्यूशन तो नहीं बना ना, मतलब पीपीटी क्या है, इनसॉल्युबल। अगर आपने इसमें H2SO4 डाला तो फिर से क्या बन जाएगा, PbSO4, वो भी क्या होता है, इनसॉल्युबल, H2O प्लस। समझ में आता है, लिखो दोनों रिएक्शंस। डन, लिखो बट इज सॉल्युबल, यहीं से लिखना है इसके बाद, बट इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3, बट इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3। तो अगर आप इस PbCO3 की रिएक्शन HNO3 से करवा देते हो तो ये क्या बनाएगा, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस। तो PbNO3 क्या होगा, वाटर सॉल्युबल, इसलिए PPT क्या होगा आपका, HNO3 में। ठीक है, बट स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, बहुत ज्यादा सॉल्युबल ये नहीं होता। क्लियर है आपको ये। देन सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट,
लिखो सेकंड रिएक्शन विद AgNO3, रिएक्शन विद AgNO3। पढ़ा है आपने, पढ़ा था ना डी ब्लॉक में, क्या होता है अगर आप सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करवाओगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। लिखो व्हाइट पीपीटी ऑफ, अ व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, अ व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर कार्बोनेट इज फॉर्म्ड विच टर्न्स ब्राउन ऑन हीटिंग, विच टर्न्स ब्राउन ऑन हीटिंग। देखो मेरा सुपर कंप्यूटर्स, बड़े जल्दी भूल जाते हो आप लोग। Ag2CO3 का क्या बनता है, एक व्हाइट पीपीटी अलॉन्ग विद NaNO3। और इसको अगर आप हीट करोगे तो हीट करके क्या बनाता है, Ag2O विच इज अ ब्राउन सॉलिड अलॉन्ग विद लिबरेशन ऑफ CO2 गैस। तो ये आपका व्हाइट पीपीटी है, ये हीट करने पर कैसे बदल जाता है, ब्राउन पीपीटी में फॉर्मिंग Ag2O। समझ में आता है। थर्ड एंड लास्ट टेस्ट, अरे अब तो 4G आने वाला है, अब 2G स्पीड से काम करते हो, अभी बताओ कम से कम 3G स्पीड से तो काम करो। हो गया, लिखो फिनोफ्थलीन इंडिकेटर टेस्ट। लिखो द एक्वस सॉल्यूशन, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट आयंस, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कार्बोनेट आयंस इज बेसिक इन नेचर, इज बेसिक इन नेचर ड्यू टू, ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ड्यू टू सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कार्बोनेट आयन होता है CO3 टू माइनस, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या बनेगा, H2CO3 प्लस OH माइनस। सिंस यहां पे OH माइनस आयन जनरेट हो रहे हैं तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक। समझ में आता है, इसका सॉल्यूशन कैसा है नेचर में, बेसिक। आगे लिखो ऑन एडिंग, ऑन एडिंग फिनोफ्थलीन इंडिकेटर, ऑन एडिंग फिनोफ्थलीन इंडिकेटर पिंक कलर विल अपियर, ऑन एडिंग फिनोफ्थलीन इंडिकेटर पिंक कलर विल अपियर। और पिंक कलर क्या बता देगा कि यहां पे आपका कार्बोनेट आयन प्रेजेंट। समझ में आता है। तो ये थी आपके पास टेस्टिंग ऑफ कार्बोनेट आयन। आज हमने देखा कि कैसे हम बेसिक सीखे हमने सॉल्ट एनालिसिस के, कि कैसे हम सॉल्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, जिस भी हो भी कोई ऑब्जर्वेशन है उसके करेस्पॉन्डिंग क्या आपके पास पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे फर्दर टेस्टिंग ऑफ वी ग्रुप रेडिकल्स।